नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के 420वें दिन के क्लास को देख रहे हैं। दोस्तों, फ्रेज के जो ये लगातार सीरीज जो चल रही है उसमें आप अगर शामिल हो रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए और इसको सीखिए। अगर आप ये इस तरह के फ्रेजेज और इडियम्स का प्रयोग सीख जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक एडवांस लेवल पर पहुँच जाते हैं इंग्लिश सीखने के दौरान। तो दोस्तों, फ्रेज को देखना है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट देखिए फ्रेज रहेंगे, फ्रेज का हिंदी क्या होता है उसका एग्जांपल रहेगा इंग्लिश में साथ साथ हिंदी में, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये फ्रेज। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी दबाइएगा आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आसानी से पढ़ना हो, बोलना लिखना सीखना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा तो लोग बात करते हैं कि भाई कैसे पढ़ें। तो दोस्तों, बस इतना करना है कि ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, ये माइक पर बोलिए, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, आपको पढ़ने आ जाएगा। निश्चिंत हो जाए, जो भी डाउट्स है वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, राइटिंग स्किल की बात की जाए या स्पोकन स्किल की, सबसे जरूरी होता है कि अधिक से अधिक वर्ड मीनिंग, अधिक से अधिक फ्रेजेज, उसके बाद इडियम्स वगैरह याद रखा जाए, वर्ब की जो लिस्ट है उसको याद रखा जाए। अगर आप जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, आप ध्यान में रखिएगा कि बेसिक वर्ड, जी हाँ दोस्तों, बेसिक वर्ड का एक लिस्ट होना चाहिए आपके पास, संख्या होना चाहिए, जैसे कि मैंने 3000 वर्ड का एक सीरीज लाया था उस तरह से, ठीक है, बेसिक वर्ड हो जाना चाहिए। दूसरा बात कि वर्ब के वर्ब यानी वर्ब का जो तीनों रूप होता है प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, उसका होना चाहिए आपके पास एक लिस्ट। उसके बाद फ्रेजेज होना चाहिए, ठीक है, फ्रेजेज होना चाहिए, ईडियम्स होना चाहिए, ठीक है, ईडियम्स का भी लिस्ट होना चाहिए याद, ईडियम्स और प्रोवर्ब्स, जी हाँ दोस्तों, प्रोवर्ब्स का भी आप लिस्ट एक बना लीजिए और याद कर लीजिए। बस इतना तो ज़रूरी है, ये सारे के सारे वर्ड मीनिंग ही है। अगर आपको याद रहते हैं तो आप तो लिखने में भी महारत हासिल हो जाएगा, बोलने में भी महारत हासिल हो जाएगा। तो आइए सीखते हैं दोस्तों विथ ईजी स्टेप, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, फ्रेजेस को हम देख रहे हैं और ये फ्रेजेस का स्टार्टिंग है। तो फ्रेजेस है तो आइए बढ़ते हैं और देखिए, ये दोस्तों फ्रेज जो है हमारा है द 11th आवर, क्या है दोस्तों 11th आवर, हिंदी में क्या बोलते हैं द 11th आवर को, हिंदी में क्या बोलेंगे, तो हिंदी अर्थ हो जाता है दोस्तों बहुत देर करके, क्या करके, बहुत देर करके। नेक्स्ट है एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एग्जाम्पल है लेते हैं द 11th आवर का। अ डॉक्टर वाज कॉल्ड इन एट द 11th आवर, यानी कि डॉक्टर को बुलाया गया बहुत देर करके, बहुत देर करके डॉक्टर को बुलाया गया, तो ये है दोस्तों बहुत देर करके चिकित्सक यानी डॉक्टर को बुलाया गए। नेक्स्ट है देखिए फ्रेज है एट द इंस्टिगेशन ऑफ, एट द इंस्टिगेशन ऑफ, और हिंदी अर्थ हो जाता है तो बहकावे में, क्या होता है बहकावे में, तो एक ये याद करना है, इसका अर्थ याद करना है, हिंदी अर्थ भी याद कर लेना आपको ध्यान पूर्वक। अब एग्जांपल है दोस्तों ही लॉज्ड, ठीक है दोस्तों, ही लॉज्ड अ कंप्लेंट, यहाँ पर द है छोड़िए आपका, तो याद रखिएगा द इंस्टिगेशन ऑफ हिज नेबर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इसका हिंदी की क्या होगा दोस्तों, उसने पड़ोसियों के बहकावे में, हो सकता है आप अपने दोस्तों के बहकावे में आकर नालिश की, ठीक है, तो यानी कि कंप्लेन कर दिया, नालिश मीन्स कंप्लेन करना, शिकायत करना, ठीक है, एक अलग तरह का वर्ड देखिए। तो आप बदल सकते हैं, जैसे उसने पड़ोसियों के बहकावे में, तो हो सकता है अपने दोस्त के बहकावे में, अपने परिवार के बहकावे में, अपने किसी न किसी के, जैसे नाम रख के बोल सकते हैं, ये मतलब सेंटेंस आप बदल सकते हैं, बहुत ही ईजिली बदल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे बदलें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो और ये देखिए फ्रेज है हमारा नेक्स्ट एट द लेटेस्ट, एट द लेटेस्ट, इस फ्रेज का हिंदी क्या होगा, ये देखिए हिंदी अर्थ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा देर तक, क्या है ज़्यादा से ज़्यादा देर तक। नेक्स्ट है एग्जांपल, ऑल द एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड बाय द 25th एट द लेटेस्ट, ऑल द एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड बाय द 25th एट द लेटेस्ट, देखिए हिंदी है सभी आवेदन ज़्यादा से ज़्यादा 25 तारीख तक अवश्य भेज दी जाए, ठीक है, तो ये हो गया एट द लिस्ट का, एट द लेटेस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट है तो हमारा फ्रेज द टॉप ऑफ, हिंदी अर्थ इसका हो जाता है पूरी ऊंचाई के साथ, ठीक है, पूरी
ऊंचाई के साथ, अब इसका वर्ड मीनिंग खोजिएगा तो कभी मिलेगा नहीं, तो सोचिए कि पूरी ऊंचाई के साथ, तो बस एक सिंपल वर्ड है द टॉप ऑफ फ्रेज हमारा। नेक्स्ट है एग्जांपल, इसका मतलब एक्चुअली ही शाउटेड एट द टॉप ऑफ, ठीक है, ही शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, हिंदी अर्थ हो जाता है उसने अपनी आवाज़ की पूरी ऊंचाई के साथ पुकारा, यानी अपने उसने पूरी आवाज़ के साथ जो है, पूरी ऊंचाई के साथ जो उनका उसका आवाज़ था पूरी ऊंचाई तक पहुंचाया, मतलब अर्थ को सिर्फ देखते रहना है। तो दोस्तों क्या करना है कि आपको फ्रेज देखिए द टॉप ऑफ ये है, उसका हिंदी क्या होता है पूरी ऊंचाई के साथ, इसके याद रखना है। जब आप सेंटेंस बोले हिंदी वाले में, तो देखिए ये लास्ट में अधिकांश फ्रेजेस जो होता है, फ्रेज वर्ड जो होता है वो सेंटेंस के एंड ऑफ आता है, लेकिन कभी कभी बीच में आता है, कभी कभी शुरू में आता है, लेकिन अधिकांश जो सेंटेंस में लास्ट में ही रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये है दोस्तों फ्रेज हमारा नेक्स्ट वाला द टाइम्स। वैसे तो समय में हिंदी कहेंगे भाई क्या होगा, टाइम्स एट टाइम्स यानी समय में, लेकिन हिंदी और देखिए कभी कभी, ठीक है, क्या होगा एट टाइम्स का मतलब कभी कभी, बहुत ध्यान पर लग रखेंगे, याद रखेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा ही एट टाइम्स, ठीक है, ही एट टाइम्स बिकम्स, जैसे ही बिकम्स इन सेंस होगा सेंटेंस, लेकिन बीच में आ गया ही एट टाइम्स बिकम्स, या ही बिकम्स इन सेंस एट टाइम भी, एट टाइम्स भी लिख सकते हैं। क्या देखिए, वह कभी कभी पागल हो जाता है, या वह पागल हो जाता है कभी कभी, ऐसे भी, या कभी कभी वह पागल होता है। एट द टाइम्स ही बिकम्स इंसेंस, तो आपकी इच्छा के ऊपर है कहाँ पर क्या सेट करना है, कैसे करना है। पहले आप देखिए बेसिक तरह से सीखते जाइए इसको, जैसे ही है तो ही की जगह आप आई का इस्तेमाल कर दिए, ठीक है, संडे यहाँ यू का इस्तेमाल कर दिए, वी का इस्तेमाल करिए, दे का इस्तेमाल करिए, तो क्या हो जाएगा उसी की तरह यहाँ पर जो है आपका भी बदलाव आता जाएगा। आई रहेगा तो मैं, यू रहेगा तो तुम, जैसे कि तुम कभी कभी पागल हो जाते हो, बोलना आप बोलते होंगे कभी ना कभी किसी ना किसी को, तुम कभी कभी पागल हो जाते हो, इसका क्या मतलब है, यानी यू एट टाइम्स बिकम इंसेंस, या यू बिकम्स इंसेंस एट टाइम्स, या एट टाइम्स यू बिकम्स इंसेंस, ठीक है, वे लोग कभी कभी पागल हो जाते हैं, दे एट टाइम्स बिकम, ठीक है, बिकम्स नहीं, थर्ड पर्सन में सिर्फ रहता है, सॉरी यू वाले में बिकम होगा, बिकम्स नहीं होगा, और दे भी है तो यह थर्ड पर्सन, यानी कि ये थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, और ये भी थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है, तो थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन में जो है एस नहीं लगाते हैं, ये पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि जो सेंटेंस है वो कहीं ना कहीं टेंस से बिलोंग करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट फ्रेज है एट वेरियंस विद, एट वेरियंस विद क्या होगा इसका हिंदी बताइए, तो सिंपल देखिए हिंदी है दोस्तों प्रतिकूल विरुद्ध, प्रतिकूल विरुद्ध, एग्जाम्पल है दोस्तों हिज वर्ड्स आर एट वेरियंस विथ हिज डिड, हिज वर्ड्स आर एट वेरियंस विथ हिज डिड, मतलब उसकी कथनी और करने में मेल नहीं है, अंतर नहीं है, जो कहता है वही करता है, ठीक है, मेल नहीं है, मेल नहीं है कि बेमेल है, बात यह मेल नहीं है का मतलब कि वह बेमेल है, ऐसे देखिए बेमेल, ठीक है, यानी कि उसे कथनी और करनी में करनी बेमेल है, यानी मिलता ही नहीं, जो कहता है वो करता नहीं है, हिज वर्ड्स आर एट वेरियंस विद हिज डिड, ठीक है, उसकी है तुम्हारी कथनी और करनी में मेल नहीं है, इस तरह से राम की कथनी और करनी में मेल नहीं है, सीता की कथनी और करनी में मेल नहीं, मतलब एक एग्जांपल है, इस तरह से आप कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेज दोस्तों, फ्रेज हमारा है बैग एंड बैगेजेस, बैग एंड बैगेजेस क्या हो जाएगा हिंदी अर्थ सरो सामान के साथ, याद रखिए दोस्तों बैग एंड बैगेजेस मीन्स सरो सामान के साथ। एग्जांपल हो जाएगा द इंग्लिश लेफ्ट, द इंग्लिश लेफ्ट, इंग्लिश में अंग्रेज से यहाँ रिलेटेड है, द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेजेस, द इंग्लिश लेफ्ट, लेफ्ट में छोड़ना, द इंग्लिश लेफ्ट, हालांकि बायां भी होता है लेकिन वो बायां नहीं है, लेफ्ट ये जो प्रिंसिपल भाग है, तो द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेजेस,
सर्व सामान के साथ अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया, या अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया सर्व सामान के साथ, या अंग्रेजों ने सर्व सामान के साथ भारत छोड़ दिया, आप कहीं भी लगा सकते हैं। ये के सेंटेंस ऐसे ही रहेगा, द बैगेज, द बैग एंड बैगेज को याद रखिएगा, द बैग एंड बैगेज आपको द लेफ्ट, द इंग्लिश या ब्रिटिशर्स भी बोल सकते हैं, द ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फ्रेज हमारा है बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ओइंग टू। ये देखिए तीन आप यहाँ देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ और ओइंग टू, तो क्या होगा फ्रेज का हिंदी अर्थ हो जाएगा दोस्तों, कारण से। तीनों का जो है एक ही हिंदी अर्थ है, कारण से, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ओइंग टू, कारण से। देखिए एग्जाम्पल है, ही कुड नॉट अटेंड, ही कुड नॉट अटेंड कोर्ट बिकॉज ऑफ इलनेस, ऑन अकाउंट ऑफ, ओइंग टू। तो बिकॉज ऑफ ज़्यादा फेमस है, तो इसलिए इसे ही दिमाग में रखें। ही कुड नॉट अटेंड कोर्ट बिकॉज ऑफ इलनेस। ही कुड नॉट अटेंड क्लास भी कर सकते हैं, ही कुड नॉट अटेंड कॉलेज भी बोल सकते हैं, ही कुड नॉट अटेंड पार्टी बोल सकते हैं, ही कुड नॉट अटेंड वेडिंग, ठीक है, वेडिंग बोल सकते हैं। अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा ही, हिंदी क्या होता है इसका, ये देखिए बीमारी कारण, ठीक है, तो इलनेस है तो बीमारी कारण वह कचहरी नहीं जा सकता, बीमारी कारण वो शादी में नहीं जा सकता, बीमारी कारण वो कॉलेज नहीं जा सकता, बीमारी कारण वो कक्षा में नहीं जा सकता, बीमारी कारण वो पार्टी में नहीं जा सकता, बहुत सारे सेंटेंस बन जाते हैं। तो आप पर डिपेंड करता है कि किस तरह से कैसे सीखना चाहते हैं। मेहनत तो दोस्तों कितना भी आप वीडियो देखिएगा किसी का भी, जब तक आपके दिमाग जो है, आपका दिमाग खुद वर्क नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात आप नहीं सीख पाएंगे। तो लिखिए, लिखने का लिखना सीखना है तो लिखिए, बोलने का सीखना है तो बोलते रहिए, बस इसी तरह से, जैसे कि मैं बोलता हूँ बोलते रहिए, बोलते बोलते खुद ब खुद आप अच्छे से बोलने लग जाएंगे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज। देखिए ये फ्रेज है बेड ऑफ रोजेज, ठीक है, बेड ऑफ रोजेज हिंदी हो जाएगा, हिंदी अर्थ गुलाबों का गद्दा, पुष्प का बिस्तर यानी पुष्प का शैया बोलते हैं ना, सुखद स्थान। देखिए द एग्जाम्पल है द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। इसका क्या मतलब होता है, मतलब देख लीजिए पहले कि प्रधानमंत्री का पद फूलों का गद्दा नहीं है, प्रधानमंत्री का पद फूलों का फूल का शैया नहीं है, इस तरह से बात है। जैसे दोस्तों अ क्रॉन ऑफ थॉर्न यानी कांटों का ताज, ठीक है, कांटों का ताज ठीक उल्टा अर्थ इसका रखता है। तो समझने को आता कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री का पद जो है कांटों का ताज है, तो यही बात है, फूलों का गद्दा, फूलों का सैया नहीं है, गुलाबों का गद्दा नहीं है, सुखद स्थान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेज है बिहाइंड वंस बैक, बिहाइंड वंस बैक। देखिए हिंदी अर्थ हो जाता है किसी के पीठ पीछे चुगली नहीं करते हैं ना, वैसे किसी के पीठ पीछे कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो वी शुड नॉट अब्यूज अ मैन बिहाइंड हिज बैक। देखिए वंस के जगह आप हिज माई, मतलब आप बदल सकते, प्रोनाउन रख सकते, वंस है तो चूंकि एक है, और वंस के जगह आप हिज कुछ भी, हिम हर कुछ भी लिख सकते हैं। तो वी शुड नॉट अब्यूज अ मैन बिहाइंड हिज बैक, पीठ पीछे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसे आप ऐसे भी याद कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इसको यूज करेंगे बोलने में, लिखने में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस तरह का सेंटेंस कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और फ्रेज हमारा बिलो द मार्क। दोस्तों बिलो द मार्क हिंदी अर्थ हो जाता है इसका निश्चित मापदंड से, आप या दूसरा है अपेक्षित योग्यता से कम। एक तो ये हो गया निश्चित मापदंड से, दूसरा होता है अपेक्षित योग्यता से कम, बिलो द मार्क। एग्जांपल है दोस्तों योर इंग्लिश इज बिलो द मार्क, ठीक है, योर इंग्लिश इज बिलो द मार्क। हिंदी क्या हो जाएगा इसका, तुम्हारी अंग्रेजी अपेक्षित योग्यता से कम है, इतना मतलब चाहिए इंग्लिश में लिखने का, इंग्लिश में बोलने का उससे कम है,
योर इंग्लिश इज बिलो द मार्क, निश्चित मापदंड से नीचे या अपेक्षित योग्यता से कम। यहाँ लिया है ना अपेक्षित योग्यता से कम। अब इसके लिए कुछ और बनाने लगते हैं तो उससे अच्छा है भाई ऐसे सेंटेंस मिलेंगे तो वैसे सेंटेंस मिलेंगे तो जाहिर सी बात है बस एक ही वर्ड बिलो द मार्क याद रखें। तो बस दोस्तों इस वीडियो में ही तक। वीडियो कैसा लगा बताइए, अगर अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी टन जो है उसको दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो आए आपको पता चल सके। और एक यहाँ लिंक है जिसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देखिए, लिंक यहाँ जिससे कि हमारे वीडियो को डे वन से देखते हैं, प्ले लिस्ट का वीडियो, कुछ प्रीवियस वीडियो यहाँ और यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद। ठेक मिलते हैं, ध्यान रखें, धन्यवाद।